आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाबा श्याम के दरबार जब आप जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार में जाने से पहले आपको बाबा श्याम का जो कुंड है, श्याम कुंड है, सबसे पहले आपको कुंड के दर्शन करने चाहिए। कुंड में जो जल है उस जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, उसके बाद बाबा श्याम के दरबार की तरफ जाना चाहिए। परंतु जब आप बाबा श्याम के दरबार की तरफ जाते हो तो बाबा श्याम के जो परम भक्त थे, भक्त शिरोमणि श्यामलीन श्री आलू सिंह जी महाराज, उनके दर्शन करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि वो बाबा श्याम के सबसे बड़े भक्त थे और बाबा श्याम के ध्यान में खोए रहते थे। तो श्यामलीन भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी महाराज कहाँ पर विराजते हैं, कैसे जाना है, उसका एक मैंने रूट मैप तैयार किया है। हो सकता है आप सभी गए भी होंगे, परंतु जो बाबा श्याम के भक्त नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं या जो पुराने भी हैं, आप सभी से यही विनती है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बाबा श्याम के दरबार जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किस रूट से पहले कहाँ जाना चाहिए, एक मैंने अपनी इमेजिनेशन के ऊपर ये नक्शा बनाया है। हो सकता है कि पूरी तरह से सही ना हो, परंतु फिर भी पूरी तरह से इमेजिनेशन के ऊपर मैंने बनाया है। आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको किधर से, किस रास्ते से होते हुए दरबार आना है, नज़दीक कौन सा रास्ता आपको लगेगा। हालांकि सभी बराबर ही पड़ते हैं, इक्वली लगते हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से पूरी बातों को समझते हैं। तो श्याम भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम के दरबार में आपको कैसे जाना है और दरबार का क्या रूट मैप है उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं, जो नए श्याम भक्त हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आप कहीं से भी आते हैं तो सबसे पहले आपको ये रिंगस का रोड है जो आप देख रहे हैं, जो 17 किलोमीटर का ये रोड है, तो ये सड़क से होते हुए आप आएंगे ये तोरण द्वार है, और तोरण द्वार से जो है एक सीधी सड़क चली जाती है सीकर की तरफ, और एक सड़क इधर से साइड से हो जाती है और मंदिर की तरफ चली जाती है। और इधर आपका पुराना बस स्टैंड है, ये जो आप देख रहे हैं अभी मैप में, ये पुराना बस स्टैंड है। यहीं पर तोरण द्वार के थोड़ा सा आगे ही यहाँ पर आपको बस स्टैंड मिलेगा। तो अब जब हम यहाँ तोरण द्वार पर आ जाते हैं तो तोरण द्वार से हमको लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है, लेफ्ट वाले जो सड़क है उसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे आएंगे, पहला मोड़ आएगा, इधर धर्मशाला वगैरह बनी हुई है काफ़ी सारी, यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है। तो इस सड़क से होते हुए आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ये रास्ता आएगा, गोल चक्कर आएगा। इस गोल चक्कर से आपको एक रास्ता इधर की तरफ कुंड की तरफ चला जाता है और एक सीधी सड़क चली जाती है जो पहले पुराना रास्ता था। तो ये सीधे रास्ते से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका कबूतरिया चौक आएगा। कबूतरिया चौक से होते हुए आप सीधा बाबा श्याम के मंदिर तक यहाँ तक आएंगे, जहाँ द्वार से पहले प्रवेश होता था वहाँ तक आएंगे। तो अगर आप कुंड की तरफ आना चाहते हैं तो श्याम कुंड की तरफ आना चाहते हैं तो जो मंदिर का जो रास्ता, आप पहले यहाँ से एंट्री किए, यहाँ पर आ गए, अब इस गोल चक्कर से आपको इधर की तरफ मुड़ जाना है। अब इधर मुड़ेंगे तो इधर आपको मिलेगा श्याम कुंड, आगे जाके इस साइड में कुंड है जो आपने वीडियोस वगैरह में देखा था, वो कुंड आपको यहाँ पर मिलेगा। आप कुंड में जाकर आप पहले जल वगैरह छिड़क सकते हैं अपने ऊपर, या स्नान वगैरह करना चाहे तो स्नान वगैरह कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप बाबा श्याम के दरबार, जो ये आप सीधा रास्ता देख रहे हो, यहाँ से होते हुए सीधी रास्ता चली आती है यहाँ बाबा श्याम के दरबार तक। तो एक तो ये तरीका है और एक रास्ता ये है, अगर आप कुंड नहीं जाते हो, पहले जा चुके हो ऑलरेडी और कुंड अभी नहीं जाना चाहते, तो आप सीधा यहाँ पे आएंगे गोल चक्कर से, सीधा आप यहाँ से कबूतरिया चौक होते हुए आप यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर बाबा श्याम का दरबार है, सामने ही नज़र आएगा आपको बाबा श्याम का दरबार, ये ऑफिस है मंदिर का, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर छोटा सा गणेश जी का मंदिर है, तो यहाँ पर दर्शन करेंगे। और यहाँ से फिर आपको दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर की तरफ जाता है और एक रास्ता इधर की तरफ जाता है। ये दोनों ही रास्ते मंदिर वाले ही जाके रोड में मिलते हैं। आप देखेंगे कुंड वाला जो रास्ता था ये भी जाके इसी रोड में मिलता, तो ये रास्ता भी इसी में जाके मिल जाता है अगर आप मंदिर पर पहुँच गए यहाँ पर। अब यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या है, आपको अपने जूते चप्पल जो हैं, यहीं आसपास में दुकान वगैरह बनी हुई है मिठाई वगैरह की, अगर आप घर से बना हुआ भोग नहीं लाते हैं तो यहीं आसपास मिठाई वगैरह लेके वही जूता चप्पल रख दीजिएगा, क्योंकि एग्जिट जो होगा वो आपका इधर के साइड में ही होगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ मिठाई नहीं खरीदा, हालांकि दुकानें तो बहुत सारी हैं, आप चलते रहे, अब मान लीजिए इस रास्ते से होके गए यहाँ पहुँचे, इधर भी मिठाई की दुकान है, थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे जाके प्रवेश है, यहाँ पे एंट्री है इस रास्ते में।
तो इस रास्ते से प्रवेश होगा। तो यहाँ मान लीजिए आपने जूता चप्पल यहाँ पे उतार दिया, आपने यहाँ से एंट्री लिया, तो एंट्री लेने के बाद जब एंट्री करेंगे अंदर आके तो वापस बाहर एग्जिट आएंगे, तो यहाँ से फिर आपको इतना दूर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप जब यहाँ से आते हैं, कबूतरिया चौक से आते हैं, तो यहाँ से होते हुए आइए, यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लीजिए, यहीं जूता चप्पल कहीं उतार दीजिए, उतारने के बाद इसी रास्ते से होते हुए नंगे पांव आप सीधा यहाँ तक आ सकते हैं एंट्री गेट पर। एंट्री गेट से पहले आपको बता दूं, अगर आप श्यामलीन भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, ये जो एंट्री है बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए, इस एंट्री में नहीं जाना है, क्योंकि एंट्री में जाने से आपको अगर वीआईपी लाइन में जाते हैं तो वीआईपी लाइन से एक रास्ता है आलू सिंह जी महाराज जी के श्याम बगीचे में जाने का, परंतु यहाँ पे जाने नहीं देते। अगर आप वीआईपी लाइन में, सिर्फ आपको बुजुर्ग वगैरह या जिसका शारीरिक प्रॉब्लम है वही लोग जा सकते हैं इस लाइन से, तो यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको क्या है, फिर यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ मांगेलाल धर्मशाला है, धर्मशाला से आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे जाके मिठाई वगैरह की दुकान आ जाएगी, यहाँ पे उसके बगल से ही रास्ता है, उस रास्ते से आप अंदर एंट्री करेंगे तो आलू सिंह जी महाराज जी का यहाँ पे श्याम बगीची आएगा। श्याम बगीची में जाके सबसे पहले आप श्री आलू सिंह जी महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद वापस यहाँ से निकल के आप एंट्री गेट से होते हुए ये लाइन जो है, लाइन जो बनी हुई है, इन लाइनों से प्रवेश करते हुए बाबा श्याम के दरबार के दर्शन करते हुए बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे जो अपने जूते चप्पल खोले होंगे वो यहाँ से आप पहन के वापस अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से ये रूट मैप है। अगर आप कुंड जाना चाहते हैं, बड़ा कुंड, तो कुंड का ये रास्ता है, इस वाली सड़क से जाएंगे तो काफ़ी लंबा है, यहाँ से ऐसे घूम के पूरा जाना पड़ता है, और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से भी आपको काफ़ी मतलब चलना है, और अगर मान लीजिए आपने जूते चप्पल यहीं उतार दिए होते दोबारा से आपको घूम घूम के जाना होता। अब आलू सिंह जी महाराज के जो पहले दर्शन नहीं करते हो, कहते हैं पहले हम बाबा श्याम के दर्शन करेंगे फिर आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करेंगे, तो उनके लिए बता दें कि आप मान लीजिए एंट्री आपने ले ली इधर से, आपने दर्शन कर लिए, उसके बाद फिर आपको आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करने, तो वापस से आपको फिर से घूम के जाना होगा, फिर इसी रास्ते से होते हुए आपको आगे जाएंगे, उसके बाद फिर श्याम बगीची आएगा, वहाँ दर्शन करेंगे। तो आप सबसे पहले जब बाबा के दरबार आए तो एंट्री करने से पहले आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन करें, और दर्शन करने के पश्चात वापस यहाँ से होते हुए इन लाइनों से प्रवेश लेते हुए, जो 16 लाइनें बनी हुई हैं जिसमें वीआईपी लाइन अलग है, उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता सभी को, तो वो लाइन तो छोड़ ही दीजिए, बाकी जो लाइन है उस लाइनों से होते हुए आप बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। और जो 13 सीढ़ियाँ वाली लाइन है वो अलग से 4 लाइनें हैं, इधर से आप प्रवेश करेंगे तो जो बाबा श्याम का जो मुख्य द्वार है, मंदिर का जो मुख्य द्वार है, वहाँ से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करेंगे इस साइड से, और ऊंचाई से दर्शन होते हैं, सामने से दर्शन होंगे आपके बाबा के, अच्छे दर्शन होते हैं। और यहाँ से अगर आप दर्शन करते हो इन लाइनों से होते हुए तो आपको सबसे बड़ी बात है यहाँ गोपीनाथ जी के दर्शन होते हैं, अगर इस रास्ते से आए तो गोपीनाथ जी के दर्शन होंगे, और यहीं से निकलने का रास्ता है, लाइनों के ऊपर से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, उस सीढ़ियों के ऊपर होते हुए आप मंदिर के गेट के बाहर आ जाएंगे सीधे। और अगर आप इस इधर से आते हैं, दो लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 2 गोपीनाथ की तरफ, 2 बालाजी की तरफ, तो बालाजी वाली लाइन में जाते हैं इधर की तरफ में, तो इधर की तरफ आपको बालाजी के दर्शन होते हैं, राइट हैंड साइड आपको बालाजी होंगे और लेफ्ट हैंड साइड आपको गोपीनाथ जी के दर्शन होते हैं, तो राइट हैंड साइड से होते हुए आप बालाजी के दर्शन किए और फिर वापस से यहाँ निकल गए। तो ये एक रूट मैप बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा श्याम के जब दरबार जाए और आलू सिंह जी महाराज के दर्शन आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आलू सिंह जी महाराज के आप दर्शन करें और उसके पश्चात आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि पहले हम बाबा के दर्शन करें फिर आलू सिंह जी महाराज के, तो आपको काफ़ी घूमना होगा, मतलब एक बार आप घूम लिए उसके बाद फिर से वापस आपको उधर की तरफ जाना है आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करने। अगर आप बार बार बाबा के दर्शन करना चाहते हो एक दो बार तो कर सकते हो, परंतु अत्यधिक भीड़ होती है जिसके कारण लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन में प्रवेश लेके बाबा के दर्शन कर लेते हैं, और जिनको पता नहीं होता वो आलू सिंह जी महाराज के दर्शन नहीं कर पाते और सीधा यहाँ से निकल के मार्केटिंग करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों आप ये सारा वीडियो देख लिए होंगे, आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको बाबा श्याम के दरबार से जोड़ने के लिए, बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचाने के लिए, उनके भक्त से मिलाने के लिए। अब आपकी मर्जी है कि आपको बाबा श्याम के पहले दर्शन करने हैं या भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा जो काम था, बाबा ने जो मुझे बताया उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया,
बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।